Hello everyone, myself Fazal Ahmed and this is my student Godmanish kindly इधर आए, ये आपको सारा चीज़ समझाने में एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। तो हम अभी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताने वाले हैं, एक्सरे मशीन के से रिलेटेड। तो Godmanish ये दिखाइए कि एप्रॉन क्या होता है, किस तरह का होता है। देखिए ये Godmanish दिखा रहे हैं, ये एप्रन है, इसको पहना जाता है और इसको पहनिएगा तो किसी तरह का रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन हैजार्ड नहीं होगा। अब मैं एक मशीन है एक्सरे की, जिसको Godmanish उसके बारे में डेमो देंगे और उसके बारे में बताएंगे Godmanish कि वो मशीन का कौन कौन सा पार्ट है, और हम इनसे सवाल करेंगे ये बताएंगे। ये जो मशीन है ये एक्चुअली में ये पोर्टेबल मशीन में शामिल है, इसमें ट्रॉली की तरह इसको आगे पीछे घुमाया जा सकता है, इसमें ब्रेक भी लगा हुआ है, वार्ड रेडियोग्राफी में ले जाया जाता है, इसको क्लिनिक में माउंटिंग दीवार पे इसके ट्यूब को नहीं की जाती है, तो इस पर भी सारे तरह की इमेज ले सकते हैं क्योंकि ये मोटा मोटी बहुत पावरफुल मशीन है। हमको लग रहा है कि इसका जो MA है बहुत बुरा नहीं है, इसका MA 100 MA है और 100 MA सफिशियंट होता है बॉडी के हर पार्ट का इमेज लेने के लिए। तो आप बताइए जरा सा ये क्या चीज़ है ये Godmanish। ये सर एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये एक्सरे ट्यूब है और इस एक्सरे ट्यूब में देखिए यहाँ पर एंगुलेशन है, हमको किसी तरह के पोजिशनिंग करने में एक्सरे ट्यूब को कभी इस साइड एंगुलेट करना होता है, इधर एंगुलेट कीजिए तो हाँ देखिए ये एंगल हो गया इस साइड, और बैक साइड में भी एंगुलेशन होता है, बैक साइड में भी इसको एंगुलेट कर सकते हैं, इसको अपोजिट टाइप साइड में टर्न कर सकते हैं, मेरे साइड इसको टर्न कीजिए, इसको मेरे साइड भी टर्न कर सकते हैं, यानी कि ये इतनी फ्लेक्सिबल मशीन है, इसको किसी साइड भी इसको टर्न कर सकते हैं। तो टर्न करने के बाद इसमें देखिएगा कि यहाँ पे एक ग्लास में क्रॉस लिख ब्लैक कलर का क्रॉस है, यानी कि अंदर में एक बल्ब जलता है और बल्ब जलने के बाद जो लाइट आती है वो भी प्लस लाइट होती है, और जो प्लस लाइट आएगी उसको हम लोग सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम मानते हैं। ये एक्सरे ट्यूब का समझिए हाउसिंग है जो मेटल का है, अंदर में ऑयल रहता है, इसमें तेल रहता है, ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब ज़्यादा गर्म हो तो उसको बचाने के लिए काम करता है। लेकिन ये ट्यूब में एक जगह पर स्विच लगी रहती है हर मशीन में, इसको हम लोग क्या करते हैं ऑन ऑफ करने से अंदर की लाइट जलती है और वो लाइट हमें ये आइडिया देती है कि कहाँ पर से इमेज लेना और किस तरीके से लेना है, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग पोजीशन करने के लिए ऊपर उठा सकते हैं, इसको पकड़िए, हम उठा के दिखा रहे हैं मेरे इधर, देखिए इसको हम चाहे तो इसको जहर को जितना चाहे ऊपर उठा सकते हैं। उठाने के बाद टेबल से ट्यूब का डिस्टेंस होना चाहिए, एक्सरे टेबल तो हम लोग का रखा हुआ है अंदर, और इस पर अगर हाथ रखेगा कोई बंदा तो नीचे जो कैसेट होगा उस पर उसकी फिल्म लगेगी, ये एक्सरे ट्यूब हो गया। इसमें हाई टेंशन केबल अटैच है, इसको हम चाहे तो अप या डाउन कर सकते हैं अपने अनुसार, इसको घुमा भी सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक्सरे ट्यूब की, एक्सरे मशीन की, ये कंट्रोल पैनल है, दिखाइए कंट्रोल पैनल को शो कीजिए, लाइए हम हाथ में लेके बताते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग कोई टेलीविजन ऑन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टीवी भी ऑन करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ है कि मेरे स्टेबलाइजर से करंट सही जा रहा है कि नहीं, आज के डेट में नहीं होता है लेकिन ये जो बड़ी डिवाइस है इसमें करंट का जो है बहुत मान्य रखता है कि इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, तो वो करंट को देखने के लिए कुछ डिवाइस में इस तरह का मीटर लगा रहता है, लेकिन इस मशीन में मीटर नहीं लगा हुआ है। इसमें क्या है कि ये LED लाइट दे दिया गया है, LED लाइट में यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर कम का और अधिक कम का, यानी कि बिजली आ रही है, करंट आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये वाला ब्लिंक करेगा और बहुत ज़्यादा आएगा तो ये वाला ब्लिंक करेगा, तो हमें कोशिश करना है कि ग्रीन वाला ही ब्लिंक करे। और इसको एडजस्ट करने के लिए मशीन का यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ है मशीन, ऑफ है अगर तो हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे ऑन की तरफ तो ये ऑन हो जाएगी, ऑन करने के बाद ये लो पर ऑन होती है यानी कि कम बिजली दे रही है अभी,
अगर कम बिजली में ही ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो हमको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बढ़ाना चाहें तो इसको हाई कर सकते हैं। हाई करने पर भी ग्रीन सिग्नल अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमको मेंस से और ज़्यादा करंट को बढ़ाना है, इससे हम करंट को एडजस्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पैनल में कुछ इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, ये हो गया केवी, मेजर केवी, माइनर केवी, सेकंड और मिली एम्पियर। केवी से हम क्या करते हैं, आप केसी क्लार्क के या जीएस गार्गल की बुक में स्पेशली देखिएगा कि सेटिंग है, हर पार्ट का अलग अलग सेटिंग करना है, कहीं पर 55 केवी, कहीं पर 60 केवी, तो वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सेलेक्ट करेंगे, जितना भी केवी को हमें सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करने के बाद वो केवी यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा, मिली एम्पियर यहाँ पे आएगा, MAS यहाँ पर आएगा, ठीक है। थोड़ी हैजी इमेज हो रही है, कैमरा ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरा साइड यहाँ पर केवी जितना भी हमें बढ़ाएंगे, माइनर से दो दो करके बढ़ा सकते हैं। ये हो गया सेकंड का, सेकंड कोशिश करना है कि कम से कम रहे, सेकंड कम से कम रहना चाहिए, और सेकंड मिनिमम रखेंगे तो कम समय में ही हमारी इमेज आ जाएगी किसी आदमी की। अगर सेकंड बढ़ाते हैं तो वही काम होगा, लेकिन रेडिएशन देर तक निकलता रहेगा और वो आदमी की बीच में अगर हिल जाता है तो हमारा इमेज ख़राब होगा। तो कोई बूढ़े आदमी हो या बच्चा हो तो उस कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि सेकंड जो है वो कम से कम होना चाहिए, और सेकंड को कम से कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिली एम्पियर को एडजस्ट करते हैं। मिली एम्पियर जितना ज़्यादा होगा उतना कम हमें सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों को मिला के जो फैक्टर आते हैं उसी को हम लोग मिली एम्पियर सेकंड कहते हैं। और जब मशीन का ये एक बटन है जिसको हम लोग एक्सपोजर बटन कहते हैं, इसको हम लोग इस आधा दबाएंगे तो स्टैंड बाई होता है, जब भी दबाएंगे तो आधा, और उसके बाद जब हमको एक्सपोज देना होगा तो पूरा बटन को दबा के दबाए रहेंगे, तब तक दबाए रहेंगे जब तक ये मशीन ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं हो। कट ऑफ कैसे होगा, इसका ये मीटर जो है आगे बढ़ के फिर बैक साइड में आ जाता है। जितना स्विचेज आपने देखा वो सारे स्विच का यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में भी है, यानी कि MA को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ग्रिड ऑन कर सकते हैं, और अगर हमें किसी तरह का ये लगाना है, एक्सपोजर देना है, कोन लगाने के बाद एक्सपोजर देना है, तो एक्सपोजर का एक बटन यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक्सरे मशीन की बात, और अब आइए अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में देखिए आप क्या कीजिए कि देखिए ये मशीन है, मशीन ऑन है, और अगर हम अपने स्टूडेंट के एब्डोमेन पे थोड़ा सा अगर प्रोब लगाएंगे तो इनके लीवर का इमेज आ जाएगा क्या। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा जेल लेते हैं, हम लोग महंगे कंपनी का ही जेल लेना चाहिए, और उसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद देखिए पकड़िए तो आप सामने ले जाइए, ये देखिए ये जो इमेज आ रही है ये लीवर की आ रही है, ठीक है, ये इमेज जो है लीवर की आ रही है, और डायफ्राम भी बहुत सुंदर इमेज आ रही है, और हम चाहें तो उस इमेज को अब हम देखिए अलग अलग तरीके से इमेज ले रहे हैं, गॉल ब्लैडर की भी इमेज आ रही है, ठीक है ना, सांस खींचिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, किडनी भी आ गई है, ब्लैडर भी आ रही है, हम जो भी इमेज है अभी तो हम कंफर्टेबली कर रहे हैं, इस इमेज को स्टॉप करके रोक सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे पोर्टल वेन दिखाई दे रहा है, पोर्टल वेन, ठीक है, डायफ्राम का आ रहा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर का भी कट ऑफ आ रहा है। तो इस तरह हम अलग अलग इमेजेस को देख सकते हैं। ये एक मशीन हो गई, इसमें बड़े स्क्रीन को लगा सकते हैं, बड़े स्क्रीन को लगाइएगा ना तो बड़ी बड़ी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इससे कनेक्ट किए हुए हैं, इससे बड़े से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो मशीन है ये ज़्यादा बड़ी है, ये ज़्यादा बड़ी है, और इसका प्रोब भी काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग प्रोब करते हैं, इससे इमेज लेते हैं। और इसके अलावा ये देखिए ये व्यू बॉक्स है, एक व्यू बॉक्स इधर है, एक व्यू बॉक्स वहाँ है, इसमें फिल्म को लगा करके उसकी इमेज को लेते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, बोल दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद।